पहला प्रश्न है, भगवान के चरणों में अनुराग भीतर से कैसे पैदा है और भगवान में मन कैसे है? किसी का प्रश्न है, भगवान में भीतर से अनुराग कैसे है, भगवान में मन कैसे है? अनुराग सबके भीतर होता है, पहले से ही होता है, जन्म से ही होता है, जन्म के पहले से भी होता है। अनुराग क्या है कि हम जो किसी की ओर झांकते हैं, देखते हैं किसी की ओर, तो हृदय में एक प्रीति की धारा होती है, एक प्रीति का रंग होता है। वो प्रीति का रंग जिसकी ओर हमारा झुकाव होता है, रुझान होती है, उसकी ओर होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से उसका अनुराग होता है, चपत लगावे तब भी उसकी छाती से ही है। तो अनुराग कहीं बाहर से बुलाना नहीं पड़ता, तो जैसे शरीर आता है, जैसे इंद्रियां आती हैं, जैसे मन आता है, उसी प्रकार अनुराग भी हृदय में होता है। पर वो किससे हो, तो वो दुनिया में देखने में ये आता है कि जो आंखों को प्यारा लगे उससे अनुराग होता है, जो कानों को प्यारा लगे, मीठी मीठी बात करे उससे भी अनुराग होता है, जो छूने में बढ़िया लगे, मीठा लगे, उससे भी अनुराग होता है, जो सूंघने में अच्छा लगे उससे अनुराग होता है, जो स्वाद लेने में अच्छा लगे उससे अनुराग, और जिसके साथ अपना मन संबंध जोड़ लेता है उसके साथ अनुराग होता है। मन सामने वाला एक रंग हमारे दिल में डालता है और उसी डाले हुए अनुराग के शीशे में जब हम किसी को देखते हैं तो हमको उससे अनुराग होता है। तो मूल बात यह है कि हम जिससे बाहर संबंध रखते हैं, इंद्रियों को जो प्यारा लगता है, जो अपना मालूम पड़ता है, उससे अनुराग होता है। अब भगवान के बारे में भी अनुराग की शैली यही है। भगवान के बारे में मीठी मीठी बात सुनने को मिले तो भगवान से अनुराग होगा, भगवान का प्रसाद सेवन करें उससे अनुराग होगा, आंख से देखें उससे अनुराग होगा, नाक से सुने प्रसाद इससे अनुराग होगा, और मन से भगवान के प्रति एक रिश्ता, जैसे बेटे से अनुराग होता है, जैसे पत्नी से अनुराग होता है, पति से अनुराग होता है, माँ बाप से अनुराग होता है, ऐसा एक संबंध भगवान के साथ मान लिया जाए और उस पर दृढ़ रहा जाए तो संबंध से अनुराग होता है, ममता से अनुराग होता है, जिससे सुख मिलता है उससे अनुराग होता है, और जिसमें महत्व बुद्धि होती है उससे अनुराग होता है। भगवान के बारे में खास बात यह है कि भगवान सूंघने को तो मिलते नहीं है, हाँ उनको चढ़ाई हुई तुलसी की गंध ले सकते हैं, उनकी मूर्ति और चित्रपट का दर्शन कर सकते हैं,
भगवान से अनुराग होने का उपाय ये है कि एक तो जो भगवान के अनुरागी हैं उनका संग मिले, और दूसरे अधिक से अधिक हम भगवान की महिमा की बात सुने। महात्म्य ज्ञान चाहिए। बिहारी जी से लोग प्रेम ज्यादा क्यों करते हैं? तो सुनते हैं कि हरिदास जी के लिए बिहारी जी प्रकट हुए थे, महात्म्य ज्ञान हो गया और हरिदास जी के सामने ये सिद्धियां प्रकट की, चमत्कार प्रकट किए, महत्व ज्ञान हो गया। इसी तरह से भगवान के साथ संबंध बना लिया, इतने बड़े महात्मा के साथ सामने प्रकट हो गए। तो यदि भगवान से अनुराग बढ़ाना है तो पहली बात सबसे ये है कि जो भगवान से अनुराग करने वाले लोग हैं उनका संग हो, और भगवान के बारे में अधिक से अधिक चर्चा सुनने को मिले और उनके महात्म्य का ज्ञान हो। जब हम सुनते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि वे अयोग्य से अयोग्य पर कृपा करते हैं, वे कुबजा को भी मिलते हैं जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, वे अजामिल को भी मिलते हैं जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, न जात देखते हैं न पात देखते हैं, जो उनकी शरण में आता है उनका नाम लेता है उसको भगवान मिलते हैं। तो जब भगवान के इस गुणानुवाद का कि वो बड़े कृपालु हैं, सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, वे हमारे स्वामी हैं, हमारे अपने हैं, अब देखने लायक बात तो ये है कि हम लोग क्या सचमुच भगवान से प्रेम करते हैं, देह से प्रेम करते हैं, देह के संबंधियों से प्रेम करते हैं, बाहर के लोगों से प्रेम करते हैं। जितना प्रेम भगवान से करना चाहिए उतना करते नहीं। और प्रश्न तो प्रेम के बारे में ही है, तो ईश्वर पर हमारी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, ये भी तौलना पड़ेगा। जब तक काम में सफलता मिलती है तब तक सोचते हैं हमारी वजह से हुई, ये काम कैसे हुआ भाई, तो पहले कहेंगे मैंने किया, फिर बोलेंगे हमारे संबंधी ने किया, फिर बोलेंगे हमारी बुद्धि से हुआ, हमारी युक्ति से हुआ। ईश्वर पर अपना विश्वास कितना है ये भी एक तौलने की बात है। अपने मन मन का होता चले तो ईश्वर पर विश्वास बहुत है, और यदि ईश्वर अपने मन के जरा भी खिलाफ कर दे तो विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास हो, उनके प्रेमियों का संग हो, और भगवान की महिमा का श्रवण हो, और उनके जो भक्त हुए हैं उनके चरित्र का श्रवण वर्णन हो, तो भगवान में अनुराग हो जाता है। असल में हम लोग दुनिया की कोई चीज चाहते हैं उसके लिए भगवान से प्रेम करते हैं, और यदि दुनिया की कोई चीज न चाहते हो केवल भगवान को ही चाहते हो तो अनुराग तो अपने आप ही हो गया। तो जिस चीज को हम चाहते हैं उससे हमारा अनुराग बहुत है। तो यदि भगवान से हम कुछ चाहते हैं कि भगवान हमको धन दे, हमको राज्य दे, हमको विजय दे, तो हमको धन से, राज्य से, विजय से ज्यादा प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके भगवान के प्रेमियों का सत्संग करना चाहिए, और भगवान की महिमा, गुणानुवाद, चरित्र, उनका श्रवण करना चाहिए। इसी से भगवान में अनुराग बढ़ता है। संसार मन से कैसे निकले, तमोगुण कैसे दूर करें।
भगवान के नाम जो कृष्ण नहीं आने लगती है। ऐसा है कि प्रेम जहाँ होता है प्रेम ही बढ़ाना चाहिए। प्रेम जब बढ़ जाता है तो न आलस्य आता है, न नींद आती है, न विस्मृति भूल होती है, भूल भी नहीं होती है। बस प्रेम जिस चीज से होता है रात रात भर जागते हैं। हमने देखा है कभी हमारे कोई प्रेमी थे, कभी मिल जाते थे 6 महीने बरस में, तो हम लोग रात रात भर बैठ के आपस में चर्चा करते रहते थे, नींद बिल्कुल नहीं आती थी। तो बिना मन का जब कोई काम करना पड़ता है तब नींद आने लगती है। इसलिए मन भगवान में लगा के प्रेम से, जैसे अपने बेटे को संभालते हैं, धन को संभालते हैं, अपने पति पुत्र को संभालते हैं, ऐसा अपना एक रिश्ता जोड़ के भगवान को संभाले, बिल्कुल नींद नहीं आवेगी। नींद तो नींद आलस्य तमोगुण, ये तीनों जो आते हैं ये प्रेम की कमी होने से आते हैं। तो मूल यही है कि प्रेम हमारा कहीं अपने मैं में और अपने संबंधियों में इतने ज्यादा जुड़ गया है, अपने संबंधित पदार्थों में, अपने संबंधियों में, अपने शरीर में कहीं प्रेम ऐसा जुड़ गया है कि वो टस से मस नहीं होता। तो जब तक उसका काम हो तब तक तो नींद नहीं आवेगी, और काम जब किसी दूसरे का हो जिससे प्रेम नहीं है तब नींद आती है। इसलिए एक बात यह है कि नींद आती हो, माला जप रहे हो तो एक एक मन का देख देख के फिर आना चाहिए। हाथ में माला ले लो और एक मन का देखा भगवान का नाम लिया फिर हटा दिया, एक मन का देखा भगवान का नाम लिया और फिर उसको हटा दिया। इस तरह देख देख करके एक एक मन का जप में फिराया जाए। दूसरी बात यह है कि यदि आंख बंद करने से नींद आती हो तो खुली आंख से जप करना चाहिए। वैसे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यदि हमारी आंख पुतली, हमारे आंख की जो पुतली है उसको स्थिर कर दिया जाए तो मनोराज्य नहीं होगा, मन दूसरी जगह नहीं जाएगा। और यदि शरीर भी न हिले तब मन भी नहीं हिलेगा, मन भी स्थिर हो जाएगा। एक तो होता है मन स्थिर होने से शरीर का स्थिर होना, और एक होता है शरीर के स्थिर होने से मन का स्थिर होना। तो साधारण लोगों के लिए साधन यही है कि वे अपने मन को, नेत्र को, शरीर को स्थिर करें तो सारा अंतकरण ही स्थिर अचल हो जाएगा और भगवान में लग जाएगा। और ये सब तो साधन की बात है, यदि भगवान की कृपा पर विश्वास है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमसे जप नहीं हो रहा है, आलस्य निद्रा सता रही है, कहे प्रभु आप कृपा करो हमारे ऊपर कि हमको आलस्य न आवे, निद्रा न आवे। तो प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। आप यदि विश्वास पूर्वक भगवान की प्रार्थना करें तो जो आपको लगता है कि असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। ये जो हम पुराणों में सुनते हैं कि उसने ये बड़ा काम किया, उसने पहाड़ उठा लिया और उसने समुद्र दाग लिया, ये सब जो बात सुनते हैं ये केवल कल्पना की नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो यदि आपको अपने अंदर किसी प्रकार की कमी दिखाई पड़ती है तो उस कमी की पूर्ति के लिए भगवान का नाम लीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान की पूजा उपासना कीजिए। और यदि वेदांत में आपकी रुचि हो तो अपनी पूरी शक्ति लगा के अपने संकल्प को स्थिर कर दीजिए। मन तो नौकर है,
लोगों को मालिक मालूम पड़ता है, परंतु है ये नौकर। जैसे हम हाथ को अपनी छाती पर रख देते हैं और जब तक हम हटाते नहीं है तब तक यहाँ रहता है, इसी प्रकार मन जो है वो हमारा नौकर है। उसके आप नौकर मत बनिए, उसको हुक्म दीजिए, उसके मालिक बनिए, उसको सधाइए। ये नहीं कि घोड़ा जिधर जाना चाहता है उधर जाए, हम जहाँ ले चलना चाहते हैं वहाँ घोड़े को चलना चाहिए। इसलिए ये मन रूप जो हमारे पास वाहन है, इसको हमारी इच्छा के अनुसार ले चलना चाहिए। भगवान की प्रार्थना, उनकी शक्ति, उनका बल और उनकी सहायता से हम चाहे वैसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। आलसी नहीं बनना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। आगे सफलता मिलेगी, हमारा मन लगेगा भगवान में, भगवान की कृपा से हम पूर्ण मनोरथ होंगे, ये विश्वास रख के आगे चलना चाहिए। भगवान की कृपा बरस रही है, ये अनुभूति हमें प्रश्न को सब एक ही है। यदि भगवान की कृपा बरस रही है ऐसा आपको मालूम पड़ता है तभी तो पूछते हैं ना कि भगवान की कृपा बरस रही है, ये कैसे मालूम पड़े। इसमें भी एक मौलिक बात है। आज तो निर्मूल को मौलिक बोलते हैं, आजकल हिंदी भाषा में जो बात सर्वथा प्रमाण रहित निर्मूल खोज करके लाई जाती है उसी को मौलिक बोलते हैं। तो मूल बात इसमें ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब हमारे मन का हो तब तो भगवान की कृपा है, और जब हमारे मन के विपरीत हो तब भगवान की कृपा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम भगवान की कृपा को पहचानते नहीं हैं और भगवान की कृपा को महत्व नहीं देते हैं, अपनी वासना और अपनी इच्छा को ही महत्व देते हैं। तो भगवान जो करते हैं उसमें भगवान की कृपा है और उसमें मंगल है। हमारे भाई एक कथा सुनाया करते थे, तो सब लोगों को मालूम है, आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, कोई नई कथा नहीं है। उनका ये उनके यहाँ ये रीति थी कि कुछ भी हो जाए तो उनका मंत्री बोल देता था कि भगवान जो करते हैं सो सब मंगल है। मगर एक एक क्रिया हमको आगे बढ़ाने वाली ही होती है। संस्कृत में मंगल शब्द का अर्थ होता है प्रगति, आगे बढ़ना। हर काम हमको ईश्वर के पास ले जाने वाला घटित होता है, हम उसको पहचानते नहीं है। तो रीति ये थी कि कोई काम हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, मंगल हुआ, राजा की उंगली कट गई तलवार देखते समय, मंत्री के मुंह से निकला मंगल हुआ, राजा नाराज हो गया, उसने मंत्री को जेल में भेज दिया। थोड़े दिनों के बाद जब उसका हाथ अच्छा हो गया और कहीं बाहर गया तो डाकुओं ने पकड़ लिया, बलिदान देने के लिए ले गए। अब वहां पुजारी ने देखा कि इसके तो अंगूठे ही कटा हुआ है, तो छोड़ो ये तो बलिदान के योग्य नहीं है, टूट गया। अब राजा के मन में आया भगवान जो करते हैं उसमें मंगल है, ये बात तो सद गई, क्योंकि देखो हमारा अंगूठा कटा न होता तो हम डाकुओं के चंगुल से कैसे छूटते। अब उसने मंत्री को जब छोड़ा तो मंत्री से पूछा कि तुमको जेल में इतने दिन रहना पड़ा, इसमें क्या मंगल है? तो मंत्री ने बताया कि इसमें ये मंगल है, यदि मैं आपके साथ घूमने के लिए गया होता तो मैं भी पकड़ा जाता और आपका तो अंगूठा कटा था इसलिए बच जाते, परंतु मेरा तो कुछ कटा नहीं था, मैं नहीं बच पाता।
तो भगवान ने हमको जेल में भेज के हमारा सिर कटने से बचा दिया, आपका अंगूठा काट कर आपका सिर कटने से बचा दिया। तो भगवान का जो विधान है वो सर्वथा मंगलमय है, उसमें कमी तभी मालूम पड़ती है जब हम अपनी वासना के अनुसार चाहते हैं कि हमको जो पसंद है, हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो जरूरी मालूम पड़ता है वही काम भगवान करे। हम भगवान की इच्छा को नहीं देखते हैं, उनके संकल्प को नहीं देखते हैं, उनकी सत्ता को नहीं देखते हैं, उनके ज्ञान को नहीं देखते हैं, उनके दिए हुए आनंद को नहीं देखते हैं, हम केवल अपनी वासना अपनी इच्छाओं को देखते हैं। इसलिए भगवान के मंगलमय विधान में दोष दिखाई पड़ता है। असल में यही कारण है कि जब कृपा को हम अपनी वासना के अनुसार देखना चाहते हैं तब कृपा तो स्वतंत्र है, जैसे भगवान स्वतंत्र वैसे उनकी कृपा स्वतंत्र, वो कभी कुछ बन के आती है कभी कुछ बन के आती है भगवान की, क्योंकि भगवान तो सब कुछ है। हमारे भगवान तो सर्वसच्चा है, अर्जुन सत्य भी वही है असत भी वही है, न सत तन्ना सदुच्यते न वो सत है और न तो असत है, सदसत तत्परंजत वो सत भी है असत भी है उनसे परे भी है। ऐसा जो भगवान का स्वरूप है न उनकी कृपा भी प्रभु मूर्ति कृपामयी है, वो स्वयं कृपामय है और सर्वरूप है। इसलिए भगवान की कृपा तो यदि आप खास तौर से कि भगवान इतना धन दे तो बड़े कृपालु और ऐसा तन दे तो बड़े कृपालु और ऐसा ऐश्वर्य दे हुकूमत दे तो बड़े कृपालु, ऐसा परिवार दे तो बड़े कृपालु, माने काम करें भगवान और नारायण आपके मन का काम जब भगवान करें तब आप कृपा मानेंगे और भगवान अपने मन से जब करेंगे तब उसको आप कृपा नहीं मानेंगे। तो इस तरह से कृपा होती हुई भी अनुभव में नहीं आवेगी। एक महात्मा बोला करते थे कि भाई देखो हमारे मन का हो गया तब तो हम खुश ही हैं, लेकिन हमारे मन का नहीं हुआ तब भी तो किसी के मन का हुआ, वो कौन है जिसके मन के अनुसार हुआ। तो होना तो ये चाहिए कि जब हमारे मन का न हो हमारे यार के मन का हो हमारे प्यारे के मन का हो तो हमको और ज्यादा खुश होना चाहिए कि देखो हमारे मन की तो बात नहीं हुई परंतु हमारे प्यारे के मन की बात हो गई। नीति शास्त्र में ऐसे आता है कि सबसे सबको जीत लेना चाहिए लेकिन अपने बेटे के सामने हार जाना चाहिए। बेटा जब अपने से आगे बढ़ेगा तो खुशी होती है। इसी प्रकार जब हम भगवान हमारे मन का न करके अपने मन का करते हैं तो उसमें हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हम अपने अहम से अपने अभिमान से अपनी ममता से अपनी इच्छा से भी ज्यादा भगवान की इच्छा का आदर करें। भाई ये तो भगवान ने बहुत बढ़िया किया जो आज अपने मन का तो किया। तो एक बार की बात है, ये खाओ आ रही थी चीज सामने से, मैंने कहा मैं तो ये खाऊंगा, खिलाने वाले ने कहा वाह आपके मुंह से निकला तो सही कि आप ये खाएंगे। तो नारायण भगवान की ओर से जो आता है उसमें भगवान का हाथ देखिए, ये नहीं कि ऐसा करेंगे भगवान तब कृपा होगी। भगवान तो सर्वज्ञ है परम दयालु है सर्वशक्ति है, वो जो क्रिया हमारे सामने भेजते हैं जो वो भेजते हैं जो वस्तु भेजते हैं जो परिवार भेजते हैं उसमें सब में उनकी कृपा ही भरपूर रहती है। माँ जब बच्चे को स्नान कराने लगती है
गर्म पानी से वो रोने लगता है, रोने लगता है तो बच्चे को बुरा लगता है कि माँ ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों कर रही है, लेकिन माँ तो उसका हित ही करती है कि उसके शरीर में जो मैल लगी है उसको वो छुड़ा देती है। इसलिए भगवान की कृपा को यदि आप पहचान लेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे और हर काम में भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है ऐसा अनुभव करेंगे तो भगवान की कृपा आपको स्पष्ट हो जाएगी। कृपा का अनादर करने से ही कृपा पहचान में नहीं आती है। यदि भगवान की कृपा का आदर हर रूप में करें नारायण तो भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। उसमें अपनी इच्छा की प्रधानता नहीं रख के भगवान की इच्छा की प्रधानता रखना चाहिए। यही भक्ति का सिद्धांत है और वेदांत का सिद्धांत भी यही है। हम अपनी इच्छा को जितनी जितनी शिथिल करते जाएंगे, अपने स्वरूप की अनुभूति के उतने उतने पास पहुंचते जाएंगे और जितना जितना भगवान को नौकर बनाने की कोशिश करेंगे। एक सज्जन आए वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने, तो उन्होंने पहले प्रार्थना की कि हे भगवान हमको बेटा चाहिए। बिहारी जी तो बोलते नहीं है, चुपचाप। फिर उन्होंने मान लिया कि बिहारी जी ने हमारी बात मान ली। फिर बोले सुनो भगवान हमको बेटा चाहिए पर एक बरस के भीतर ही चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद बोले स्वस्थ चाहिए, विद्वान चाहिए, दीर्घायु चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए। अब भगवान तो चुप। एक सज्जन थे और उनकी मनोवृत्ति को देख रहे थे। बोले भाई इसको भगवान नहीं चाहिए तो इसको कौन चाहिए? का एक नौकर चाहिए। जो ये कहे सोई कर दे, जो ये चाहे कहे सोई कर दे। भगवान को एक ऐसी स्थिति में ले जाना कि हम उनकी उनके ज्ञान का आदर न करें, अपने ज्ञान के अनुसार उनको चलाना चाहें, हम उनके दिए हुए आनंद का आदर न करें, अपने मन का आनंद उनसे चाहें, उनके दिए हुए जीवन का अनादर करके हम दूसरे प्रकार का जीवन चाहें, तो भगवान के सामने अपने को ऐसा कर देना चाहिए कि जैसे ज्यों ही रखियत हो त्यों ही रहियत हो, हे हरि जैसे राखो वैसे रहो। भगवान की कृपा का अनुभव तभी होगा। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान हेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदाए भाग। जहां कहीं देखे कि भगवान दया, बस दया से जो उनका शरीर थरथरा रहा है, कांप रहा है, उसी कंपन का ये विलास है। दयामय के शरीर के कंपन का ये विलास है। इतनी कृपा इतनी दया हमारे लिए उनके हृदय में आई कि उनका हृदय कांप। तू समीक्षण करते चलो, सुमन भली भांति नारायण सुष्ठु सम्यक ईक्षमाणा। ऐसे मत सोचो कि भगवान की कृपा आवेगी आवेगी आवेगी। अरे अब जो आ रहा है सो क्या है, अब जो आ रहा है सो भी बहुत बड़ी कृपा है। ये नहीं कि इस समय भगवान में कृपा नहीं है, कि भगवान निष्ठुर हो गए हैं, कि भगवान कृपा के कुछ विरुद्ध दे रहे हैं। इसमें भी भगवान की एक कृपा है, उसको पहचानना चाहिए। और हमको जैसे रख रहे हैं भगवान वैसे रह रहे हैं, और वो तो हमारे कर्म के रास्ते से भगवान की शक्ति प्रतिफलित हो रही है। और अपनी वाणी को अपने हृदय को
अपने शरीर को हृदवाग बतो, अपना हृदय भगवान के सामने खोल कर रख दो, अपने वचन को भगवान के सामने कर दो, अपने शरीर को भगवान के सामने कर दो, झुका दो सबको। भगवान ही हमारे दिल को वाणी को और जीवन को चलाने वाले हैं। अभिमान तो बिल्कुल झूठा है, जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग, इस प्रकार जो अपना जीवन व्यतीत करता है वो हकदार हो जाता है भगवान का। जो कुछ भगवान के पास है वो सब उसको मिल सकता है, वो सब मिलने का हकदार हो जाता है। यदि वो अपनी छटपटी को, अपनी वासना को, अपने अभिमान को, अपनी ममता को नारायण छोड़कर भगवान के सामने अपने को शरणागत कर दे, उनके प्रति समर्पित कर दे, भगवान से प्रार्थना कर। अच्छा, प्रार्थना तो देखो कभी अपने बाप से करनी पड़ती है, माँ से करनी पड़ती है, अपने दादा दादी से करनी पड़ती है, अपने पति से पत्नी से भी प्रार्थना करनी पड़ती है। बस जैसी प्रार्थना अपने घर में करते हैं वैसी भगवान से करनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है कि जिस चीज को हम महत्वपूर्ण समझते हैं ये चीज कीमती है, उसको जो हम भीतर से चाहते हैं और वाणी से बोल के मांगते हैं, प्रकर्ष का तो हो निश्चय कि ये चीज सबसे बढ़िया है और जाचना हो गए तो जाचना तो हम दुनिया में करते ही रहते हैं और करते करते थक गए हैं। दुनिया में कहीं भी जाचना करने से पूरी करने का सामर्थ्य भगवान के सिवाय और किसी में है नहीं। सब छोटे छोटे देवता देवी उसे स्वयं विषय वासना से भरे हुए हैं, उनको खुद को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो हमारी प्रार्थना क्या पूरी कर सकते हैं। तो दुनिया में जाचना करने योग्य कोई नहीं है, प्रार्थना करने योग्य कोई नहीं है। दुनिया में यदि कोई प्रार्थना करने का है तो साक्षात भगवान ही है। तो पहली बात तो ये है कि प्रार्थना भगवान की होनी चाहिए। संसार के जो छोटे मोटे जीव हैं उनसे नहीं होनी चाहिए और छोटी मोटी बात के लिए भी नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा लक्ष्य है जहाँ जाकर जीवन सफल हो जाता है उस प्रभु के लिए अपने जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। तो प्रार्थना में ऐसा कहते हैं कि पहले प्रार्थी को अपने अंदर जो कमी है दोष है उसका ज्ञान होना चाहिए और उन दोषों को भगवान के सामने निवेदन करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या दोष है। ऐसे कहने से काम नहीं चलता है कि आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप तो जानते ही हैं। नहीं, वो जब अपने दोष वाणी में लाए जाते हैं, भीतर मालूम पड़े और वाणी में लाए जाए तो वो जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं वो मन में आने के बाद और वाणी पर आने के बाद उनका रूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अंदर क्या दोष है। तो हमने तो इसलिए नहीं कहा कि आप तो जानते हैं, क्या नहीं, आपका जानना काम नहीं देगा, आपका बताना काम देगा। इसलिए आप अपने दोषों को स्पष्ट रूप से भगवान के सामने निवेदन कीजिए। इसमें एक बात और है कि लोगों को अभिमान होता है बहुत कि हमारे अंदर गुण ही गुण है और अच्छाई अच्छाई है
इस अभिमान के कारण वो बोझिल हो जाते हैं और नीचे जाते हैं। तो पहले अपने दोषों को समझना और भगवान के सामने निवेदन करना। निवेदन करने का अर्थ ये है कि जब भी भगवान चाहे तो दंड दे, प्रायश्चित करावे। भगवान प्रायश्चित भी कराते हैं, दंड भी देते हैं, और चाहे क्षमा कर दे। भगवान दोषों को देख के सुन के क्षमा भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोषों को देख के प्रसन्न भी हो जाए, क्योंकि तो भगवान के चिर स्वभाव को किसी लक्षण में, किसी कायदे में नहीं बांधा जा सकता कि नहीं, भगवान का ये नियम है, भगवान की मर्यादा है। भगवान कभी कभी अपने नियम, अपनी मर्यादा तोड़ के भी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। तो नारायण भगवान के सामने दोषों का निवेदन कर दिया, जैसा कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, हमारे सूरदास जी, हमारे और दूसरे महात्मा लोग भगवान के सामने अपनी दीनता हीनता निवेदित कर देते हैं, तो वही दीनता हीनता समाप्त हो जाती है, जल जाती है। भगवान के सामने कोई दीनता हीनता टिकती नहीं है। दुनिया में किसी के सामने दैन्य प्रकट करने की जरूरत नहीं, हीनता प्रकट करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आप चाहते क्या है, जो आप में दोष है उसका निवेदन कीजिए, दंड भोगने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी तैयार रहिए। देखिए भगवान आपके ऊपर किस रूप में कृपा करते हैं, क्योंकि अपने आश्रित का दोष देख करके भगवान प्रसन्न भी कभी कभी होते हैं। जैसे यशोदा मैया है, श्री कृष्ण उसके सामने जब कभी झूठ बोल जाते हैं कि मैंने माटी नहीं खाई, और या तो बात बनाते हैं कि हमने तो इसके लिए ये काम किया, तो मैया खुश होती है कि वो हमारे बेटे की बुद्धि तो बढ़ रही है। तो कभी कभी भगवान देखते हैं कि जीव कैसी बुद्धि बना रहा है, कैसा उपाय कर रहा है, कैसी युक्ति कर रहा है, तो कभी कभी भगवान को हंसी भी आ जाती है और क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन आप पहले से ही ऐसी उम्मीद मत रखिए, आप तो निवेदन कीजिए। उसके बाद दूसरी चीज प्रार्थना में आनी चाहिए कि आप चाहते क्या है। आप संसार का कोई भोग चाहते हैं, कोई ऐश्वर्य चाहते हैं, कोई लक्ष्मी धन संपदा चाहते हैं, कोई पुत्र परिवार चाहते हैं, कोई शरीर चाहते हैं, अच्छा कोई सद्भाव चाहते हैं, तो हमारे हृदय में ये भाव आ जाए कि कोई सद्गुण चाहते हैं। भगवान के सामने छोटी मोटी चीज नहीं चाहनी चाहिए। तो जो सद्गुण सद्भाव चाहते हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम चाहते हैं, जो भक्ति चाहते हैं, जो भगवान का दर्शन चाहते हैं, जो आपके अंदर नहीं है उसको भगवान से पाना चाहते हैं, तो वो भी स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहिए कि हमारे मन में तो ये इच्छा है, हे प्रभु आप ठीक समझो तो पूरी करो, ठीक समझो तो मिटा दो, ठीक समझो तो इनको बदल दो। इस बात को भी प्रभु पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो आपकी इच्छा पूरी करे कि नहीं करे। एकदम शरणागत हो जाना चाहिए प्रभु के। इसके बाद क्या होता है कि अपनी अयोग्यता ध्यान में आती है कि हम तो इस योग, इस वस्तु की प्राप्ति के योग्य नहीं है। तब अपनी ओर न देख के कि हमारे दोष दूर करो या हमें गुण दो, ये दोनों बात छोड़ करके केवल भगवान के गुणों का अनुसंधान होने लगता है कि भगवान में तो ये गुण है। ऐसे वो अपने आश्रित का कार्य निर्वाह करते हैं, वे गीत पर भी कृपा करते हैं, वे कुब्जा पर भी कृपा करते हैं,
वे अजामिल पर भी कृपा करते हैं, वे पिंगला पर भी कृपा करते हैं। इस तरह भगवान की जो अहितुकी कृपा है, अपने गुण दोष का अनुसंधान छोड़ करके भगवान के जो गुण है उनका अनुसंधान करना चाहिए। अचिंत्य अत अनंत कल्याण गुण गण मिले, भगवान नारायण अपनी ओर देखने की जरूरत ही क्या है। होगा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जमुना तट पर विचरण करते हुए रुनक्ता के पास, जहाँ सूरदास आगरा के पास रहते थे, जमुना किनारे वहाँ आ गए। लोगों ने उनसे बताया कि एक यहाँ सूर है, वो बड़ा संगीतज्ञ है और बहुत बढ़िया कवि है और भगवान का भक्त है। वल्लभाचार्य ने कहा हम चलेंगे देखेंगे उसको कैसा भक्त है। अब गए तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर सुनाओ कुछ। एक तारा उठाया सूरदास ने और गाना शुरू किया, हे हरि हम सब पतितन को राय, हे हरि हम सब पतितन को टीको। वल्लभाचार्य जी सुनते रहे सुनते रहे, उठ के उनका सिर पकड़ लिया। अरे वो सूर तू बाहर से तो अंधा ही है, भीतर से भी अंधा ही है, तू अपना ज्ञान क्या गाता है कि मैं पतितों का राजा हूँ, कि मैं पतितों का टीका हूँ, ये तू अपना गुण क्यों गाता है, अपना दोष क्यों गाता है, तू भगवान का क्यों नहीं गुणगान करता। अब तो महाराज उसी समय सूरदास जी की भीतर की आंख खुल गई और तुरंत उनके मुंह से निकल पड़ा शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुअन चलत श्याम मणि आंगन मुख दधि लेप किए। वल्लभाचार्य जी का सिर पे हाथ पड़ते ही उनका स्वर बिल्कुल बदल गया और बोलने लगे, शोभित कर नवनीत लिए, हाथों में माखन का लोंदा लिए हुए, क्या शोभा पा रहे हैं भगवान। घुटरुअन चलत श्याम मणि आंगन, श्याम जो है वो घुटनों के बल मणिमय आंगन में चल रहे हैं। मुख दधि लेप किए, उनके मुखार बिंद पर दधि का लेप लगा हुआ है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा ठीक है। अब तो सूरदास को भगवान की लीला दिखने लगी, अपनी जगह पर जो अपने को दीन हीन पतित देखते थे उनकी जगह पर भगवान दिखने लगे और लोग महाराज लोगों को शंका होने लगी कि क्या बात है, ये कैसे वर्णन करते हैं। भक्तों ने कहा देख देख के वर्णन करते हैं, जो भगवान की झांकी होती है उसी का वर्णन करते हैं। ले गए उनको गोकुल में और कहा वर्णन करो भगवान का। अब तो महाराज क्या हुआ कि उस दिन वहाँ ऐसी झांकी बनाई गई थी, बच्चे भगवान उनके शरीर पर कोई कपड़ा ही नहीं, बिल्कुल नंगम नंग। जब सूरदास वर्णन करने लगे तो दर्शन हो रहा भगवान का, आज हरि देखे नंगम नंग। तो नारायण ज्यादा करके एक मनुष्य अपने मैं के आसपास, अपनी ममता के आसपास, अपनी वासना के आसपास, अपने विचारों और बुद्धियों के आसपास नारायण घूमता रहता है, भटकता रहता है। यदि इधर से मन हटे और भगवान की सुंदरता, भगवान की कृपा, भगवान का स्नेह, भगवान का वात्सल्य, वो उनकी प्यार भरी आंखों से जो रस बरसता है, उनकी भावों से जो अनुग्रह की वर्षा होती है, उनके होठों पर जो मुस्कान आनंद बिखेर रही है, जब उस पर ध्यान जाता है, उनकी नाखून की चमक, उनकी दांतों की चमक, नारायण उनके मुकुट की चमक जब अपने हृदय में आने लगती है और अपने हृदय में अपने गुण दोष और अपने मैं का चिंतन छूटकर भगवान का चिंतन होने लगता है। और महाराज फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि कुछ चाहिए ही नहीं, चुप, ऐसा हो कि ऐसा हो, करे जो मर्जी हो सो हो, एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है प्रार्थना की कि मनुष्य वहां जा करके कृतार्थ हो जाता है, वहां तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। नारायण इस तरह ये प्रार्थना जो है ये धीरे 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 हमको ले जाकर कृतार्थता की भूमिका में
पहुंचा देती है और वहां भगवान का न केवल सौंदर्य माधुर्य बल्कि वास्तविक जो उनकी अखंड सत्ता है और उनका जो अबाध ज्ञान है और उनका जो निर्विषय आनंद है जिसमें भोक्ता और भोग्य नहीं ऐसा आनंद, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय नहीं ऐसा ज्ञान, जिसमें कर्ता और कर्म कार्य नहीं, तो वो वैसी सत्ता भगवान की प्रकट हो जाती है। प्रार्थना प्रार्थना वहां ले जाकर पहुंचा देती है। बस बस।